हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी नोटिफिकेशन बेल आइकन सो दैट की लेटेस्ट वीडियोज टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। इससे पहले मेरी 3 वीडियोज ऑलरेडी आ चुकी हैं, लेक्चर नंबर 8, 9 एंड 10। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज चेकआउट ऑल दीज वीडियोस। लिंक ऑफ ऑल दी वीडियोस लेक्चर नंबर 8, 9 एंड 10 इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, सो यू कैन चेकआउट। सो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि यहां पर होगी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात। सो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सभी पॉइंट्स हैं जिन पर हम आज बात करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट होगा कि किस तरीके से आप किसी मैट्रिक्स के अंदर रैंक, साइज, आइगन वैल्यूज, लेंथ एंड डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं। एंड द सेकेंड पॉइंट इज कि आप किस तरीके से किसी भी रो और कॉलम को डिलीट कर सकते हो किसी भी मैट्रिक्स के अंदर। एंड द थर्ड पॉइंट इज कि आप इन दो कमांड्स को, कमसम एंड कम्प्रोड को, कैसे यूज कर सकते हो और इनका यूज क्या है। एंड द फोर्थ वन इज कॉलोन सिंबल, ठीक है, कि आप कॉलोन सिंबल को कैसे यूज कर सकते हैं मैट्रिक्स के अंदर और कैसे उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज कि आप किसी भी मैट्रिक्स में से, लेट्स से कि आपके पास 4x3 मैट्रिक्स है या फिर 4x4 मैट्रिक्स है, तो उसके अंदर से एक सब मैट्रिक्स अगर आपको फाइंड करना है, क्रिएट करना है, तो आप कैसे बनाओगे। ओके, एंड द लास्ट पॉइंट इज कि अगर आपको रो और कॉलम डिस्प्ले करना है किसी भी मैट्रिक्स में, जैसे कि मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 3x3 मैट्रिक्स के अंदर आप किसी भी रो और कॉलम को कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं, आपको कौन सा कोड लिखना होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो लेट से कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, ओके, एंड देन राइट द एलिमेंट्स 1, 2, 3, देन सेमी कॉलोन 4 स्पेस 5 स्पेस 6, सेमी कॉलोन 7, 8 स्पेस 9। सो दिस इज हाउ यू कैन फॉर्म अ 3x3 मैट्रिक्स। सो दिस इज अ वेरी सिंपल अप्रोच और सिंपल मैथड टू क्रिएट एनी 3x3 मैट्रिक्स। नाउ अब हम फर्स्ट पॉइंट की बात करने जा रहे हैं कि आप कैसे रैंक, साइज, आइगन वैल्यूज, लेंथ एंड ऑल्सो हाउ यू कैन फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। लेट्स से मुझे निकालनी है रैंक इस मैट्रिक्स की, ए मैट्रिक्स की रैंक फाइंड करनी है। इसके लिए सिंपल आपको लिखना है रैंक ऑफ ए, आपको यूज करना है पैरेंथेसिस, दैट मीन्स स्मॉल ब्रैकेट, और इसके अंदर लिखना है ए एंड देन सिंपली एंटर। सो हेयर यू विल गेट द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए। सो 2 इज द रैंक ऑफ दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स। नाउ इफ यू वॉन्ट टू फाइंड द साइज ऑफ द मैट्रिक्स, सो सिंपली यू हैव टू राइट साइज ऑफ ए एंड देन प्रेस एंटर। यू विल गेट 3x3, दैट मीन्स 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। एंड यू कैन इवन ऑब्जर्व फ्रॉम द मैट्रिक्स दैट इट हैज 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। दोस्तों, अगर आपको निकालना है कि आइगन वैल्यूज क्या होने वाली हैं, तो इसके लिए आपको सिंपल लिखना है EIG ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स के लिए जो आपने वेरिएबल असाइन किया है सिर्फ उसका नाम लिखना है ए, और आपको यहाँ पे मिल जाते हैं आइगन वैल्यूज। सो दीज आर द 3 वैल्यूज फॉर दिस ए मैट्रिक्स। नाउ लेट से कि हमारे पास ए जो मैट्रिक्स है वो ये थी, और इसमें मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। लेट से 1 स्पेस 2 स्पेस 5, सो नाउ दिस बिकम्स 4x3 मैट्रिक्स, दैट मीन्स 4 रोज एंड 3 कॉलम्स। नाउ टू फाइंड द लेंथ ऑफ द ए मैट्रिक्स, यू हैव टू सिंपली राइट लेंथ ऑफ ए एंड देन प्रेस एंटर। जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हैं तो आपको मिल जाता है आंसर 4। दैट मीन्स अगर मैं रो और कॉलम की बात करूं तो रो होगा 4 और कॉलम होंगे 3। द लार्जेस्ट वन विल बी द लेंथ ऑफ दिस मैट्रिक्स, दैट मीन्स 4। आई होप यू गाइज आर गेटिंग माई पॉइंट। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन राइट इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। दोस्तों, अगर आपको फाइंड करना है डिटर्मिनेंट, सिंपली यू हैव टू राइट DET ऑफ ए। सो हेयर इज योर आंसर। दिस इज अ वेरी सिंपल अप्रोच टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। यू हैव टू सिंपली राइट DET ऑफ ए एंड हेयर इज योर आंसर। सो दिस वॉज 3x3 मैट्रिक्स। नाउ यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ कॉलोन सिंबल।
Now let's say I have written x is equal to 1 colon 12. So what does it mean? Simply you have to press enter after writing this thing, x is equal to 1 colon 12. So here you can see we have 12 numbers from 1 to 12. So that means this is a vector or array. It contains multiple values. Now what does it mean? Now if I write x is equal to 5, y is equal to 5 is having only single value, that means it is a scalar. So this will give you only 5. So in the first case you have given 1 to 12 values. Now let's say I have written 1 colon 1.5 colon 12. Now you can see ki 1 to 12 values hi display ho rahi hai, lekin with a step size of 1.5, and the 1 is written as it is, then 1.5 is added in 1, that means 2.5, then again 1.5 is added in 2.50, that means 4, then again 1.5 is added, this will give you 5.5 and so on up to the 12. So when you add 1.5 in 10, this will give you 11.50, and then again if you add 1.5 in 11.50, this will definitely give you 13. It is exceeding this number, so this will give you lesser number than 12. So this is how you can get the different results after writing this colon symbol. Now try to understand the use of cumsum command. Simply you have to write cumsum of x and then press enter. So this will give you some different result. This is what cumulative sum. Iska matlab hai, 1 will be written as it is, then 1 is added in the 2.50, that means 3.50, then in 4 2.50 and 1, that means 3.50 is added. So definitely this will give you 7.50. Now again in 5.50, 7.50 is added, this will give you 13 and so on up to this 50. Now let's take one more example. Now here 1 colon 2, then 12. So this will give you this result 1, 3, 5, 7, 9 and 11 with a step size of 2. 1, that means 2 is added in 1, this becomes 3, then 3, then 2 is added in 3, that means 5, then again 2 is added, 7, then again 2 is added, 9, and then again 2 is added, 11. And let's say if you want to use cumprod. One, three, 15, 105, 945, then 10395. So this is actually what? Cumulative product. So now look at the values of x and then look at this answer. 1, then 1 is multiplied with 3, this will give you 3. Then 3 is multiplied with 5, this will give you 15. Then 15 is multiplied with 7, this will give you 105, then 105 is multiplied with 9. So this is how you are getting this answer. Now let's say you have a simple matrix and you want to display the whole row and column. Then how you can display the whole row and column? Simply, and now the variable name is A, so you have to use every time A. So let me write the command to display any column. So for that you have to use colon symbol and then 1 and then press enter. So this will display the first column of this A matrix, that means 1 4 7. So these are the elements of the A matrix, 1 4 7. And now if you want to display the first row, then simply exchange these variables. Right here 1, then here colon. So this will give you
the first row of A matrix. 1, 2, 3 are the elements of the first row. Let's say, let me write here 3. So that means you will get third row, elements of third row. What are the elements? 7, 8, 9. And here you can see 7, 8, 9. And if you want to display the third column, so how you can write third column? Simply change here third, and then you can see 3, 6, 9. So these are the elements of this third column. So let's say aapke paas ek matrix hai A aur aapko sirf ye elements aapko display karne hai 4, 5, 7 and 8. Okay, so simply write the name of the variable and then use this parenthesis 2, 3, 1, 2, and then press enter. So this will display 4, 5, 7, 8. So 2 and 3, what are these? These are nothing but the rows. Second row and third row. And what is this? 1, 2. So this is your first column and second column. Now try to understand how you can delete any row or column. Now let's say I want to delete row number third. Then simply use this variable name A, then small bracket, and then write 3, 3, and then is equal to square bracket, but empty square bracket. Empty square bracket means you want to delete third row, and then press enter. After pressing enter, you will get only two rows. Third row delete ho chuki hai. Okay, 7, 8, 9 elements are not the part of this. So guys, this was all from my side. So dosto, is video ko main yahan pe end karta hoon. I hope ki aap logo ko acche se samajh mein aaya hoga. Agar aapko koi bhi doubt hai, to you can write in the comment section, or you can simply drop a mail at deepak7tomar@gmail.com. So guys, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. अगर आपको अच्छा लगा है तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, and don't forget to share this video. Thank you so much for watching this video. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own